इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 पद। अब विश्वास आशा की ही हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो वह देखी वस्तुओं से बना हो। आत्मिक विश्वास के द्वारा आप विश्वास कर सकते हैं, यद्यपि चीजें आपके विचारों और ज्ञान के साथ सहमत नहीं होती और यह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता और ना ही यह केवल ज्ञान के तौर पर रहता है, परंतु कार्यों में प्रकट होता है। यह विश्वास के अनुसार होता है, इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि जैसा समझना चाहिए, कोई भी उसे बढ़कर अपने आप को ना समझे। तो फिर कोई कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले आपको अपने तमाम विचारों और सिद्धांतों का नाश करना है जो आपको आत्मिक विश्वास प्राप्त करने में बाधा डालता है। रोमियो 8 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। मुझे आशा है कि आप वे जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप तमाम विचारों और सिद्धांतों से मुक्ति पाएंगे जो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से रोकते हैं, केवल उन कामों को देखने के द्वारा जो परमेश्वर हमें यहाँ दिखा रहे हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों और टीवी पर देख रहे श्रोताओं, यह सत्र संदेश की पूरी श्रृंखला का एक प्रकार का परिचय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तविकता में विश्वास क्या है, इससे पहले कि विश्वास के परिमाण के ऊपर मैं आपको बताऊं। विश्वास ही के द्वारा हम बचाए जाते हैं और स्वर्ग राज्य जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विश्वास आत्मिक विश्वास होना चाहिए जिसे परमेश्वर स्वीकारता हो। हालांकि मैं विश्वास करता हूँ, हम ऐसा अंगीकार करते हैं, लेकिन जब तक यह आत्मिक विश्वास ना हो जिसे परमेश्वर स्वीकारता हो, हम ना तो उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और ना ही प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले सत्र में मैंने आपको आत्मिक और शारीरिक विश्वास के बारे में बताया था, ताकि आप मदद प्राप्त कर पाए यह समझने में कि आत्मिक विश्वास क्या है जिसे परमेश्वर स्वीकारता है। आत्मिक विश्वास के द्वारा वो चीजें जो आपके विचारों और सिद्धांतों के साथ सहमत नहीं होती, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं और यह विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता और ना ही ज्ञान के तौर पर रहता है, वरन क्रियाओं में प्रकट होता है। यदि हमारे पास यह आत्मिक विश्वास है, हम पहाड़ को आज्ञा दे सकते हैं कि वह एक जगह से हिल जाए, यहाँ से वहाँ चला जाए, और हम उन चीजों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्यों की योग्यताओं से असंभव है। तो भी मनुष्य इस प्रकार का आत्मिक विश्वास जैसा चाहता है वैसा प्राप्त नहीं कर सकता। रोमियो 12 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुध के साथ अपने आप को समझे। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में किसी मनुष्य के पास विश्वास नहीं है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, परंतु यदि आप उसे यह कहे कि आप विश्वास से प्रार्थना ग्रहण करो, आपको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार होना चाहिए। यदि आप किसी से ऐसा कहते हैं कि आप विश्वास से चंगे हो जाएंगे, आपको क्यों ऑपरेशन कराना है, आप इंतजार कर सकते हैं शुक्रवार तक और विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं कहना चाहिए। हर एक को अपने विश्वास के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि उसके पास विश्वास है तो वह अपने विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। यदि उसके पास कोई विश्वास नहीं है तो वह कुछ और नहीं कर सकता, उसे संसार पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई विश्वास नहीं है। लेकिन तो भी आप उसमें विश्वास को पैदा कर सकते हैं। यदि वह विश्वास प्राप्त करेगा तो वह अपने विश्वास से कार्य करेगा। ये आने वाले दो मामले अलग अलग है। सबसे पहला, वो विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा
कि वह यदि प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है तो वह चंगा हो जाएगा, और दूसरे मामले में क्योंकि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं तो वह प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सकता है, हालांकि उसके पास कोई विश्वास नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विश्वास के अनुसार होगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जैसा समझना चाहिए कोई उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। जैसे कि कहा गया है कि आप विश्वास के परिमाण के अनुसार आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर ने प्रत्येक को दिया हुआ है। वो जो आत्मा में गए हैं वे संसार पर कभी निर्भर नहीं रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे, वे परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर उनके पास विश्वास नहीं है, यदि भी वे एल्डर्स है, सीनियर डिकनेस है, तो वो संसार पर निर्भर रहेंगे, और अगर वो काम नहीं करता तभी वो प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं। सबसे पहले वे संसार पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं से वे उत्तर प्राप्त नहीं करते, इसलिए वे संसार पर निर्भर रहते हैं। तो यह परमेश्वर के सामने प्रमाणित करना है कि उनके पास विश्वास नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास के परिमाण के अनुसार कार्य करे। यदि मनुष्य जैसा चाहे वैसा आत्मिक विश्वास प्राप्त करे तो संसार में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक दुकानदार कहे कि कोई भी ग्राहक मेरी पड़ोसी दुकान में ना जाए, वो केवल मेरी दुकान में आए, या फिर यदि जो अपने पड़ोसी से बैर रखता है, यदि वो यह कहकर प्रार्थना करे कि उस जन का यातायात में कोई दुर्घटना हो जाए, यदि ये लोग उनके पास यदि जैसा वे चाहें अपने आप से आत्मिक विश्वास प्राप्त करें जिससे वे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, तो इस संसार में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर उत्तर प्राप्त करने का विश्वास केवल उन्हें देता है जिनके पास उत्तर प्राप्त करने की योग्यता होती है। हालांकि जिनके पास ऐसा आत्मिक विश्वास होगा वो कुछ बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। यदि आपके पास स्वयं से आत्मिक विश्वास हो सकता है और अगर आप प्रार्थना करें तो किसको आशीष नहीं मिलेगी। आप प्रार्थना करेंगे कि पिता मैं आपको $1,000 या $10,000 हर महीने दशमांश देना चाहता हूं, तो वैसा हो जाएगा यदि उत्तर मिल गया। तो आज मैं आपको उन तरीकों को बताऊंगा कि आप कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप जो कुछ मांगे उसके उत्तर प्राप्त करने पाएं और आशीषें प्राप्त करने पाएं, एक महान आत्मिक विश्वास प्राप्त करने के द्वारा, ताकि आप सब कुछ में परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रिय श्रोताओं, मरकुस 9:22 में एक पिता जिसका पुत्र दुष्टात्मा से ग्रसित है वो यीशु के पास आता है और वो कहता है कि उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर यह पिता कह रहा है कि यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यह विश्वास का अंगीकार नहीं है। वह इस विश्वास के साथ नहीं कह रहा था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वरन वो भाग्य की आशा कर रहा था। आप में से कुछ ऐसे है जो प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं ये सोचते हुए कि कुछ भाग्य से या कुछ अवसर से हो जाएगा। कुछ लोग प्रचार को सुनते हैं और प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं ये सोचते हुए कि भाग्य से हो जाएगा, यदि भी उनके पास कोई विश्वास नहीं होता। यदि उनके पास राई के दाने के समान विश्वास है तो वे उत्तर प्राप्त करेंगे, लेकिन वे नहीं करते। इसलिए यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उसी वक्त बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। सबसे पहले उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, फिर उसने कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। ऐसा लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रत्येक वक्तव्यों में आत्मिक अर्थ अलग अलग पाया जाता है। जब उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, यह उसके शारीरिक विश्वास का अंगीकार था, अर्थात उसने यीशु के बारे में सुना था और वो ज्ञान के तौर पर जानता था। उसने यीशु के बारे में बहुत सा समाचार सुना। उसने सुना कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधे देखने लग गए, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लग गए, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। क्योंकि उसने समाचार सुना और वो जानता था जो कुछ हो रहा था, इसीलिए उसने अंगीकार किया कि वो विश्वास करता है अपने ज्ञान के द्वारा। यहाँ तक कि जब आपके पास ज्ञान के तौर पर विश्वास होता है तो सबसे पहले आपको प्रभु के पास आना चाहिए, और फिर वो कहता है कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। यह कहकर इस मनुष्यों ने उत्तर प्राप्त करने के लिए आत्मिक विश्वास मांगा।
क्योंकि उसने महसूस किया कि उत्तर प्राप्त करने के लिए उसके पास आत्मिक विश्वास नहीं है, हालांकि उसके पास ज्ञान के तौर पर सुनने के द्वारा विश्वास था। जब यीशु ने इस मनुष्य को दीन हृदय से मांगते हुए देखा तो यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। और उसके बाद वह बालक स्वस्थ हो गया। आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा मनुष्य को बहरा और गूंगा कर सकती है, लेकिन अगर आप गूंगे और बहरे हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं? ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके कान के पर्दे फट गए हैं या कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर हो सकता है दिमागी रक्तघात हो, या फिर आपको लकवा हो जिसके कारण आप बोल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर लोग गूंगे और बहरे दुष्ट आत्माओं के कारण हो सकते हैं। आपको इन चीजों में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए। आपको ऐसे ही किसी को नहीं कहना चाहिए तुम गूंगी और बहरी आत्माओं निकल जाओ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए जब वास्तविकता में यह दुष्ट आत्मा का कार्य है, आपको तभी यह करना चाहिए, तभी वे दुष्ट आत्मा से आजाद हो सकते हैं और फिर से बोल और सुन सकते हैं। क्योंकि कोई बीमार है, आपको यह नहीं कहना चाहिए कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। बाइबल इसमें हमें साफ अंतर बताती है कि बीमारी क्या है और दुष्ट आत्माएं क्या है। जब पतरस की सांस बुखार से पीड़ित थी, हमारे प्रभु ने बुखार को आज्ञा दी कि निकल जा। आपको एक और चीज यहां पर समझनी चाहिए। यीशु ने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि उस बालक से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आपको उसे फिर से कभी प्रवेश न करने के लिए कहना चाहिए। आपको केवल निकालकर समाप्त नहीं कर देना है, आपको प्रार्थना करना है कि वो फिर से कभी उसमें ना प्रवेश करें। और साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ मामलों में, यहां तक कि सामर्थ्यजन दुष्ट आत्मा को निकाले भी, तो भी वे फिर से वापस आ सकती है। यहां तक कि सामर्थ्यजन आज्ञा दे दुष्ट आत्माओं को कि फिर से ना आए, तो वे आ सकती है। क्यों है ऐसा? ये इसीलिए क्योंकि दुष्ट आत्मा ग्रसित जन या तो उसने इच्छा से शरीर के काम किए हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, या फिर पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा की है, और परमेश्वर के विरोध में उसकी पाप की दीवार नाश नहीं होती है। इस मामले में यदि सामर्थ्य जन आज्ञा देता है दुष्ट आत्मा को निकल जाने के लिए, तो वो निकल जाती है। लेकिन जब सामर्थ्य जन चला जाता है, तो वे फिर से आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार है, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित जन का परमेश्वर से कोई लेने देना नहीं है। दुष्ट आत्मा पहले निकल जाता है क्योंकि सामर्थ्य जन ने आज्ञा दी है, लेकिन जब वो चला जाता है तो वे फिर से उसमें प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? उस मामले में दुष्ट आत्मा से ग्रसित जन उसे लगातार पश्चाताप करना चाहिए और पाप की दीवार को परमेश्वर के विरोध में जो है उसे नाश करना चाहिए, और फिर सामर्थ्य जन को दुष्ट आत्मा को निकालना चाहिए। यदि पाप की समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो तमाम प्रयास निष्फल है। यीशु ने आज्ञा दी कि वो फिर से कभी प्रवेश न करे और वो बालक ठीक हो गया। सबसे पहले उस बालक के पिता के पास केवल ज्ञान के तौर पर विश्वास था, लेकिन यीशु से मांगने के बाद उसके पास आत्मिक विश्वास प्राप्त हुआ और उसके आत्मिक विश्वास के द्वारा उसका बेटा पूरी तरह से चंगा हो गया। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर से मिलने और अनुभव करने के लिए आपके पास अवश्य ही आत्मिक विश्वास होना चाहिए, लेकिन सबके पास शुरुआत से ही बड़ा विश्वास नहीं होता है। ये राई के दाने के समान छोटे विश्वास से शुरू होता है, अर्थात आप सबसे पहले सुसमाचार ग्रहण करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और उद्धार प्राप्त करने का विश्वास प्राप्त करते हैं, और इस समय के बाद आपका आत्मिक विश्वास उतना बढ़ता है जितना आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और आप उसे अपना आत्मिक भोजन बनाते हैं। तो फिर कैसे आप आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले आपको तमाम विचारों और सिद्धांतों को नाश करना है जो आपको आत्मिक विश्वास प्राप्त करने में बाधित करता है। क्या आप सब नहीं चाहते? आप शारीरिक विश्वास से आत्मिक विश्वास में बदलना चाहते हैं और आत्मा में आना चाहते हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा आत्मा में आने के लिए वो तमाम प्रकार के विचार और सिद्धांत है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है कि सो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं। क्या है वो ऊंची बातें जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है? वो आपके विचार और सिद्धांत है। जब कोई नया विश्वासी आता है और संदेश को सुनता है तो आप संदेश का न्याय करते हैं यह कहते हुए कि यह सही नहीं है क्योंकि यह आपके विचार के अनुसार नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि वो गलत है, क्यों उनको ऐसा प्रचार करना है। लेकिन आत्मा का जन केवल आमीन के साथ संदेश को ग्रहण करता है। शारीरिक जन, उनके पास उनके ज्ञान और विचार होते हैं और सब कुछ को वो अपने ज्ञान और विचारों में सहमत कराना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन सहमत नहीं होता। इस प्रकार से हर ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है वो अहंकार है, घमंड है। क्योंकि लोगों के पास अपने विचार और सिद्धांत है, इसलिए वे परमेश्वर का वचन जो सत्य है वे सोचते हैं कि यह सही नहीं है। वे सोचते हैं कि केवल वो चीजें जो उनके ज्ञान और विचारों से सहमत होती है वही सही है। ये उनका घमंड है, ये परमेश्वर के विरोध में है। ये घमंड उन्हें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ना केवल ये विचार या वो विचार, वरन सारे के सारे विचार। हमारे प्रभु ने कहा कि वो जीवन, सत्य और मार्ग है। हमें अपने विचारों को इस सत्य का आज्ञाकारी बनाना है जो मसीह है। केवल परमेश्वर का वचन वही अंतिम सत्य है। हमें केवल इसी वचन को पालन करना है और हाँ कहना है। जैसे कि पिछले सत्र में भी बताया गया कि आपका सारा ज्ञान, सिद्धांत, सोचने का तरीका और मान्यताएं सही नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन ही अनंत सत्य है। लोगों के पास अलग अलग विचार है, अलग अलग ज्ञान है, हालांकि कुछ सामान्य चीजें भी है। उदाहरण के लिए 1+2=3 होता है, ये सत्य है, ये कभी नहीं बदलता। लेकिन आपके सिद्धांतों और शिक्षा के अनुसार आपके पास अलग अलग ज्ञान है, आप सबके पास अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए जब आप दूसरे लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी के बीच ऐसा होता है। यदि वे पीछे हो जाएं, एक दूसरे को सहें, दूसरे के हृदय और विचारों को समझने की कोशिश करें तो वे समझौता कर सकते हैं और एकजुट हो सकते हैं। तो वे अपने एकजुट हृदय और विचार के द्वारा एक सुंदर और आत्मिक परिवार बना सकते हैं। परंतु यदि वे दूसरे को कहें कि उसकी सेवा करो और ये कहें कि केवल वही सही है और उनके परिवार और शिक्षा के बारे में विवाद करने लग जाएं, तो फिर उनका संबंध टूट जाएगा। पत्नी के पास पति के लिए आदर खत्म हो जाएगा, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें कभी नहीं कहनी चाहिए। आपको कभी भी वो बातें नहीं कहनी चाहिए जिसे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आपको आदर की बातें बोलनी चाहिए क्योंकि आप उस जन के साथ जीवन बिता रहे हैं। यदि हम केवल अपने ज्ञान और सिद्धांतों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो हम ना तो परमेश्वर का वचन ग्रहण कर सकते हैं, ना आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो चीजें जो आपने संसार से सीखी है, यदि वे परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं है, तो आपको उन्हें इनकार करना है, केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि आप ऐसा नहीं करते, इसलिए आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं हो सकता। जो भी है, आप मानमिन के सदस्य है, आपके पास दूसरे लोगों के बजाय ज्यादा मौके है कि आप अपने ज्ञान, विचारों, रूपरेखाओं को तोड़ डालो। आप में से ज्यादातर लोगों ने महान ज्ञान को, शिक्षा को संसार में प्राप्त कर लिया है, लेकिन क्या कारण है कि आप संदेश को केवल आमीन से ग्रहण करते हैं और एक जोश भरा मसीह जीवन जी रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के उन कार्यों का अनुभव किया है जो संसारिक ज्ञान और सिद्धांतों से परे है। यदि आप इस कलीसिया में केवल एक महीने से आते हैं तो आप हर सप्ताह बहुत से चिन्हों और चमत्कारों को देखते हैं,
खासतौर पर बहुत सी निर्बलताएं और असाध्य बीमारियां परमेश्वर की सामर्थ्य से ठीक हुई है। हम उनकी संख्याओं को गिन भी नहीं सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास चिकित्सक कागजात है जो प्रमाणित करते हैं कि ये चंगाइयां मनुष्यों की योग्यता से बाहर थी जो हुई है। संसार भर में बहुत से चिकित्सक इन चंगाई के मामलों को चिकित्सक कागजातों के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के असंख्य कार्यों का अनुभव हर सप्ताह करते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन के सम्मुख आप अपने ज्ञान और विचारों को बढ़ावा नहीं दे सकते। रोमियो 8:7 में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। मुझे आशा है कि आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप तमाम तरह के विचार और सिद्धांतों से मुक्ति पाएंगे जो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में बाधित करते हैं, केवल उन्हीं कामों को देखने के द्वारा जो परमेश्वर हमें यहाँ दिखा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप तमाम परमेश्वर के वचनों को केवल आमीन से स्वीकार करने पाए। जब से मैं एक नया विश्वासी था, मैंने कोई सिद्धांत का या विचारों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन पर इस्तेमाल नहीं किया। मैं अब बड़ा धन्यवादी हूँ जब मैंने पढ़ा कि यहोशू ने सूरज और चांद को रोक दिया और लाल समुद्र दो भागों में बंट गया, यरीहो की दीवार गिर गई, यर्दन नदी बहना रुक गई। मैं केवल अपने आंसू को बहाने के साथ साथ आमीन कह रहा था। मैंने केवल आमीन कहा, मैंने विचारों और सिद्धांतों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बिना किसी शर्त के विश्वास किया और आमीन कहा। यदि आप अपने विचारों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्रार्थना करने से कैसे सूरज और चांद रुक सकता है? सूरज और चांद इसीलिए चलते हैं क्योंकि धरती चक्कर लगा रही है और घूम रही है, और यदि धरती चक्कर लगाना और घूमना छोड़ दें तो चीजें जहां पर है कैसे वे वहां पर स्थिर रह पाएगी? यदि आप किसी चीज को उछालते हैं तो गुरुत्व के कारण वो नीचे गिरता है, और यदि वह सूरज के गुरुत्व के नजदीक होगा तो सूरज की ओर गिरेगा। तो फिर कैसे चीजें अब अपने स्थानों पर स्थिर रह सकती है? यदि आप अपने विचारों का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन चीजों को सोचेंगे, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वरन आप संदेह करेंगे। यद्यपि परमेश्वर का वचन निश्चित सत्य है, क्योंकि ऐसे महान कार्य इस कलीसिया में हो रहे हैं, बहुत से दूसरे विश्वासी कोरिया में इन चीजों पर विश्वास करने की कोशिश नहीं करते। चीजें समय और दूरी को मिटाते हुए हो रही है। जब मैंने यहाँ से प्रार्थना की तो खारा पानी मीठे पीने वाले पानी में दूर जगह पर बदल गया। यहाँ तक कि चंगाई के कार्य मीठे पानी के द्वारा बहुत से हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमने संसार भर में रुमाल के द्वारा, जिस पर मैंने प्रार्थना की थी, बहुत से सामर्थ्य कार्य प्रकट किए हैं। वे बजाय इसके, इस डर से कि कहीं वे अपने झुंड को खोना बैठे, विश्वासियों को हमारे चर्च में आने से रोकते हैं। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के किसी भी वचन को केवल आमीन के साथ स्वीकार करने पाए। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम बुखार उनसे दूर हो।
पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आत्मिक विश्वास को प्राप्त करने के लिए दूसरा, आपको परमेश्वर के वचन को सीखना है और परिश्रम से सुनना है और उसका अभ्यास करना है। रोमियो 10 अध्याय 17 पद कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कारण कि क्यों आपके पास महान विश्वास होना चाहिए वो ये है कि आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आपके स्वर्गीय निवास स्थान अलग अलग होंगे। आपका विश्वास का परिमाण एक मापदंड है जो स्वर्गीय निवास स्थानों की सुंदरता और महिमा को निर्धारित करेगा।